जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं कई समस्याओं के कारण। तो पहली चीज़, आपको डेली यहाँ पे वीडियो अगर नहीं मिलती है तो आप डेली टेस्ट, सुबह और शाम दोनों टाइम टेस्ट लिया जाता है, वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विज के माध्यम से आप वहाँ जुड़ सकते हैं। समय है 9 AM और 9 PM पर, आप जुड़िए और डेली टेस्ट दीजिए। लगभग आपको 150 से 200 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप ज़रूर से जुड़िए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, यह जो पेपर है UGC नेट जो अभी कैंसिल हुआ है उसका पेपर है, तो संभावित आंसर देखेंगे क्योंकि अब तो आंसर किए आने वाले नहीं है। फिर भी मोटी मोटा जो भी राइट आंसर है हम उसको देखेंगे। दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल रहेंगे, नहीं तो सभी क्वेश्चन के कंफर्म ऑप्शन जो है आंसर आपको पता चलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो भारत एक ऐसे परिवार समूह होता है, परिवार एक ऐसा समूह होता है जो समूह के भीतर जो है सहोदर भाई अथवा बहन अपने भिन्न शाखीय मतलब अन्य शाखा वाले जैसे भाई के चाचा के लड़के लड़की, बुआ के लड़के लड़की अर्थात भाई बहनों या कजिन के बीच अंतर विवाह पर आधारित होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऐसे विवाह जिसमें भाई और बहनों या कजिन के बीच अंतर विवाह होता है तो उसको हम रक्त विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आधुनिकता के अग्रिम चरण का वर्णन करते हुए जगन्नाथ, तो जगन्नाथ नाम किसने दिया है? तो जगन्नाथ शब्द का जो प्रयोग करते हैं वह एंथनी गिडिंग्स करते हैं। अगला प्रश्न है, टालकट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई है? तो टालकट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसको देखा है? तो उन्होंने परिस्थिति और भूमिका संकुल की बात कही है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा परिस्थिति और भूमिका संकुल को पार्सन्स सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चार्ल्स मुरे की गरीबी की निर्भरता के बारे में कौन सा सही है? तो गरीबी की निर्भरता के बारे में उन्होंने कौन से कथन सही दिए हैं? तो यह उन लोगों से संबंधित है जो श्रम बाजार में प्रवेश करने के बजाय सरकारी कल्याण प्रावधानों पर निर्भर करते हैं। तो आज हाँ, ये हमारा राइट आंसर है कि ये निर्भर हैं सरकार के ऊपर, सरकारी योजनाओं के ऊपर निर्भर हैं, तो निर्भरता संस्कृति एक ये हो गई। मूरे ने तर्क दिया है कि कल्याणकारी राज्य का विकास इस उपसंस्कृति का निर्माण किया है जो आत्म सहायता के लिए व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लोगों की क्षमता को कमतर बनाती है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है, तो ए और बी हमारा सही है। तीसरा, मुरे ने उन लोगों को इससे मुक्त रखा जो अपने स्वयं की कमजोरियों के बिना गरीब हैं, जैसे विधवा और दिव्यांग लोग। ये भी कथन सही है। निर्भरता की संस्कृति लोगों की अभावग्रस्त स्थितियों को का एक प्रतिफल है, न कि इसका कारण। तो यह जो है संरचना की बात करती तो यह गलत है। तो यहाँ राइट हमारा आंसर जो हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ए बी सी की बात जो है मुरे करते हैं। इन्होंने कहा कि श्रम बाजार में प्रवेश करने के बजाय सरकारी प्रावधानों पर निर्भर करते हैं। इन्होंने कहा राज्य कल्याणकारी राज्य एक ऐसी संस्कृति तैयार कर देता है कि व्यक्ति को आकांक्षा हो जाती है कि उनकी जरूरतें सरकार पूरी करेगी, जिससे उनकी स्व की क्षमता कम हो जाती है। अगला, मुरे ने ऐसे लोगों को इससे अलग रखा रखा जो निर्भरता की संस्कृति ऐसे लोगों को इनमें से अलग कर दिया जो स्वयं की कमजोरियों के बिना गरीब हैं, जैसे विधवा है और दिव्यांग है, ये दूसरों के उसकी वजह से जो है कमजोर हुई है, तो इनको बाहर रखा गया है निर्भरता की संस्कृति से। तो यहाँ ए बी सी हमारा सही है। अगला है, सूची एक को 2 से सुमेलित करना है दिए गए कोड के अनुसार। तो यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं, तो पहली है जो पुस्तक है किनशिप एंड मैरिज अमंग द न्यूर, तो यह न्यूर जो न्यूर की बात अध्ययन करते हैं इवांस पिचार्ड। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप मैरिज इन ऑस्ट्रेलिया, तो ग्रुप मैरिज इन ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं आई थाम्स, कौन बात करते हैं? आई एन डब्ल्यू थाम्स।
उसके बाद अफ्रीकन सिस्टम एंड किनशिप एंड मैरिज की बात की है रेडक्लिफ ब्राउन ने। किसने? रेडक्लिफ ब्राउन जो है अफ्रीकी जनजातियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद द डायनेमिक ऑफ किनशिप अमंग द टैलेंसी, तो अमंग द टैलेंसी जहाँ भी आ जाए तो आप आकमुद के मेयर फोर्टीज़ को मार सकते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा कि न्यू किनशिप एंड मैरिज अमंग द न्यू इवांस पिचार्ड किनशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप मैरिज इन ऑस्ट्रेलिया एन डब्ल्यू थॉमसन अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज रेटली ब्राउन और डी फोर्डे और द डायनेमिक ऑफ किनशिप अमंग द टैलेंसी। इसकी बात करते हैं मेयर फोर्टीज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के प्रारंभिक लेखन 1845 से पूर्व परिवर्तित लेखन के बीच एक ज्ञान मीमांसी अंतराल की घोषणा की है? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएंगे लुई सल्थ्यूजर। लुई सल्थ्यूजर ने कार्ल मार्क्स के लेखनों को दो भागों में विभाजित किया है, एक युवा मार्क्स दूसरा परिपक्व मार्क्स के रूप में। अगला है पंचायती राज जिला स्तर पर विकास प्रशासन एक महत्वपूर्ण इकाई है। निम्न में से किस समिति ने आरंभ में भारत में पंचायती व्यवस्था की अनुशंसा की है? तो प्रारंभिक समिति कौन थी? कोठारी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति या जी आर मुकनार समिति? तो पंचायती राज सिस्टम की बात जहाँ हो तो उसकी पहली समिति हमारी बलवंत राय मेहता समिति थी, जिसने त्रिस्तरीय राजनीति की बात कही है, त्रिस्तरीय चुनाव की बात की है, जिला स्तर पे, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर, तीन स्तर बताए हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन कौन अपने अध्ययनों में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग नहीं करते? सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की बात कौन नहीं करते? तो यहाँ सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन बात करते हैं, एस एफ नाडेल बात करते हैं, टारगेट पर्सन बात करते हैं, लेकिन बी मैलिनोवस की संरचना की बात नहीं करते हैं। कल्चर की बात करते हैं मैलिनोवस की, इन्होंने मैलिनोवस की ने आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया है तो इसलिए ये नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। अगला है सामाजिक आंदोलन का जीवन चक्र क्या है? तो सामाजिक आंदोलन का जीवन चक्र क्या है? तो जीवन चक्र जो यहाँ पे होगा, पहले उद्भव होगा, तब सम्मिलन और संलयन होगा, दूसरे नंबर पे ए और सी हमें देखना है, और तीसरे नंबर पे हमारा नौकरशाहीकरण होगा, और चौथे नंबर पे लास्ट में इसका ह्रास होगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा ए सी बी डी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए कि सामाजिक आंदोलन का उद्भव होता है, सम्मिलन और संलयन होता है, नौकरशाही की अवस्था में पहुँचता है, फिर उसका ह्रास हो जाता है। अगला है रेडक्लिफ ब्राउन अपने वैज्ञानिक अध्ययन में नातेदारी के अध्ययन में चिंतन को अधिक स्पष्ट किया है। तो वह क्रमिक विकास के संबंध में प्रत्यक्षित धारणाओं के बिना नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसा कि मॉर्गन ने किया है। अन्वेषण की मूल इकाई में संयोजनात्मक प्रयासों को नहीं नकारता। इन्होंने नातेदारी व्यवस्था के प्रकार्यात्मक रूप में विचार समग्र बिंदु बताए हैं, और इन्होंने नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन नहीं किया। तो यहाँ डी तो नहीं हो, डी डी जो है गलत है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा हमारा ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। इन्होंने क्रमिक विकास के संबंध में धारणाओं के बिना नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसा कि मॉर्गन ने किया है। और तीसरा, नातेदारी व्यवस्था का प्रकार्यात्मक रूप और विचार के संक्रमिक बिंदु का अध्ययन इन्होंने किया है। तो राइट आंसर हमारा ए और सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको डाउटफुल माना गया है। तो 1977 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी के ओजोन संरक्षण के रसायनों के उत्पादन प्रयोग और चरणबद्ध रूप से समाप्त करने से संबंधित है, तो कल सही है। कार्यसूची मतलब एजेंडा 21 जो है 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अंगीकृत किया गया, ये भी सही है। 1992 में ही रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन आयोजित किया, ये भी सही है। 1970 में प्रकाशित रसेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है, इसने मानव पर्यावरण और विषैले रसायनों के प्रति ध्यान आकर्षित किया है। तो
तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका जो प्रकाशन वर्ष दिया है वही गड़बड़ है कि 1970 में नहीं 1962 में ये आई थी, इसीलिए हम यहाँ पे राइट आंसर जो मानेंगे ए बी सी को मानेंगे। किसको? ए बी सी। बाकी सारी बात यहाँ पे जो है सही दिया है कि इसने मानव पर्यावरण में विषैले रसायनों के खतरों के प्रति ध्यान आकर्षित किया, इतना सही है, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष जो है गलत दिया है कि 1962 में यह प्रकाशित हुआ था, यहाँ पे 70 दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल से हम राइट आंसर ए बी सी को मान के चलते हैं। अगला है फूको के बारे में दिया है। फूको फूको की शक्ति की वंशावली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? फूको का अभिप्राय है लोगों को ज्ञान के उत्पादन से कैसे स्वयं और दूसरे को अभिशासित करते हैं, सही है। उन्होंने ज्ञान के सौपानिक समर्थन किया है क्योंकि ज्ञान उच्चतम श्रेणी के प्रारूप के पास महानतम सत्ता होती है, ये भी कथन सही है कि उन्होंने कहा जिसके पास नॉलेज होगा उसके पास सत्ता या शक्ति होगी। उनकी प्रौद्योगिकी अभिरुचि थी जो ज्ञान के को निर्देशित करती है, जो लोगों को सत्ता के विस्तार के लिए विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उन पर प्रयोग किया जा सकता है, तो ये भी कथन सही है। यद्यपि फूको ने ज्ञान और सत्ता के बीच के संबंध को देखते हैं, परंतु उन्होंने समाज के अभिजात सदस्यों के षड्यंत्र को नहीं देखा है, ये भी कथन जो है सही है। तो यहाँ राइट आंसर सभी को माना जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से उत्पादन फैक्ट्री प्रणाली का लाभ नहीं है, क्या उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली का लाभ नहीं है? तो फैक्ट्री प्रणाली में आर्थिक बड़े पैमाने उत्पादन लाभ होते हैं कच्चे माल व तैयार माल के वितरण में लागत की कमी के द्वारा, सही है। तकनीकी शिल्प कौशल रहित कर और मशीनों के प्रयोग, तो तकनीकी का प्रयोग होता है लेकिन शिल्प श्रम का कौशल रहित कर इसका प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। राजनीति प्रक्रिया में श्रमिकों का नियंत्रण हेतु स्वामी को सशक्त बनाकर, ये भी सही है। प्रबंधन श्रमिक में सौदेबाजी करने की शक्ति को नियंत्रित करने की संभावना बढ़ जाती है, ये भी सही है। तो जो श्रमिक संगठन होते हैं उसमें सौदेबाजी करने की क्षमता होती है, अपनी बात मनमानी की क्षमता होती है, सही है। राजनीति में उनका प्रमुख भूमिका रहता है, ये भी सही है। आर्थिक और बड़े पैमाने पर उत्पादन और कच्चे लाभ माल तैयार किए जाते हैं, ये भी कथन सही है। यहाँ जो राइट आंसर होगा कि उत्पादन फैक्ट्री प्रणाली का लाभ नहीं है, तो तकनीकी शिल्प कौशल और कौशल रहित मशीनों के प्रयोग द्वारा। अगला है मैच कराना है, तो इसमें से जब से जो सबसे इजी होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। द सोशल सिस्टम आपको सबको पता होगा कि टारगेट पार्सन्स की पुस्तक है, तो सी का सेकेंड हमारा कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन से हमारा बन गया। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी की बात करते हैं, हैं एंथनी गिडिंग्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये भी बहुत जानी मानी पुस्तक है ब्राउन की। ऑन द शोल्डर्स ऑफ जॉइंट, ए मर्टन की है। ऑन द शोल्डर्स ऑफ जॉइंट, ये मर्टन की है और ये आपको देखने में नई पुस्तक लगेगी। ऑन द शोल्डर्स ऑफ जॉइंट मर्टन की है, यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा। अगला है लिंग आधारित रोजगार क्षैतिज पार्थव संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसमें पूछा है क्या सही नहीं है। महिलाओं का ऐसे कार्यों में संकेंद्रण जहां बहुत कम प्राधिकार आगे बढ़ने के अवसर तल होते हैं, सही। कार्यों के विभिन्न श्रेणियों में पुरुषों व महिलाओं का संकेंद्रण, ये भी सही है। एक ही प्रकार के कार्य के लिए महिला एवं पुरुषों को असमान वेतन दिया जाता है, ये भी कथन सही है। यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है, तो एक ही कार्य करने के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान भुगतान, तो ये जो है हमारा सही नहीं है, ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से सामाजिक अपवर्जन के आयाम हैं। पर्याप्त आय और संसाधनों से अपवर्जन, श्रम बाजार से अपवर्जन, सेवाओं से अपवर्जन, सामाजिक संबंधों से
अपहर्जन। तो जब भी पर्याप्त आय और संसाधन होंगे तो उससे कोई व्यक्ति अपवर्जन या अलगाव नहीं महसूस करेगा। तो यह जो राइट आंसर होगा कि श्रम बाजार से अपवर्जन होगा, सामाजिक अपवर्जन सेवाओं से अपवर्जन होगा और सामाजिक संबंधों से अपवर्जन होगा। तो बी सी डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। अगला है विश्व, ये तो कई बार पूछ आप लोग हमारे क्विज में कर चुके होंगे, वर्ल्ड सिस्टम थियरी। विकास का विश्व प्रणाली सिद्धांत किसने दिया है? गुन्नार मिल्डन ने, वाला रिस्टीन ने, एंथनी गिडिंग्स या डेविड हेल्ट। तो यहाँ वर्ल्ड सिस्टम थियरी जो की बात करते हैं, आई वाला स्टेन ने। अगला है प्रकारवाद के योगदान में समाज वैज्ञानिकों का कालक्रम लगाना है। तो कालक्रम लगाना है दुर्खीम है, स्पेंसर है, ब्राउन है, पार्सन्स है और मटन है। तो सबसे पहले प्रकार शब्द की जो गणना गढ़ा है वह हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। तो पहले हम स्पेंसर को देखेंगे, जहाँ भी नहीं उसको हटा देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे कौन सबसे ज़्यादा फेमस है, जिन्होंने जिन्हें प्रकारवाद का जनक माना जाता है? तो इमाइल दुर्खीम है, जिन्होंने प्रकारवाद को बढ़ाया और उनको जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ हमारे जो होंगे पहले हर्बर्ट स्पेंसर, फिर इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे, फिर ब्राउन होंगे, फिर टैलर पार्सन्स होंगे और लास्ट में हमारे आर के मर्टन है। आर के मर्टन जो है इन सभी का आलोचना करते हैं। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ए सी डी ई होगा। अगला है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो पहली पुस्तक है सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन जो यही था बुक वाला। यहाँ देखिए पॉलिटिकल माइंड दी सोशल बेसिक ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल माइंड दी सोशल बेसिक ऑफ पॉलिटिक्स जो पुस्तक है यह कॉल पापर की है। होने को यह एक ही विकल्प से हो जाता है कि ए का 4। उसके बाद है मॉडर्न पॉलिटिक्स एनालिसिस की बात करते हैं रॉबर्ट दाहल। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी की बात करते हैं कॉल पापर। और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड ए डेवलपमेंट अप्रोच, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच की बात करते हैं सी अलमंड एवं जी बी पावेल। सी अलमंड और जी बी पावेल हैं जिन्होंने कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच की है। एक बार इसको हम फिर से देखते हैं, पॉलिटिकल माइंड द सोशल बेसिक ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं लिपसेट, और लिपसेट के साथ बेनडिक्ट भी करते हैं आप लोग। यहाँ तो ऑप्शन में केवल लिपसेट है लेकिन लिपसेट और बेनडिक्ट दोनों ने किया है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं रॉबर्ट डाहल। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी की बात करते हैं कार्ल पापर। और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच की बात करते हैं आमंड और जी पावेल। अगला है यहाँ देखिए कालक्रम अनुसार लगाना है। तो बी किसकी पुस्तक है? बी आर अम्बेडकर की। निम्न रचनाओं को सही कालक्रम में लगाइए। तो एलिनिहेशन ऑफ कास्ट दिया है, हु आर शूद्रा दिया है, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचबल, हु वर द वाई द बिकम अनटचबल। तो यहाँ देखिए सबसे इनकी जो पहली पुस्तक है कास्ट इन इंडिया है इसमें से, तो जहाँ सी आएगा पहला हम उसी को मानेंगे। तो एक ही ऑप्शन से हो जाता है, तो कास्ट इन इंडिया पहले आ जाएगा, उसके बाद एलिनिहेशन ऑफ कास्ट आएगा, फिर उसके बाद हु वर द शूद्रास आएगा और लास्ट में हमारा द अनटचबल, हु वर द एंड वाई दे बिकम अनटचबल पुस्तक आएगी। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा सी ए बी डी। अगला है पर्यावरण की नैतिकता किन मुद्दों से संबंधित है? तो पर्यावरण की नैतिकता की बात हो रही है, तो एक क्वेश्चन देखो ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको हम राइट आंसर अनुमान से मारते हैं, जो बता रहे हैं सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, इसलिए इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। व्यापक रूप से पर्यावरण का विनाश के कारण अमीर लोगों का उपभोग है, ये नहीं है। पर्यावरण विनाश सर्वाधिक रूप से गरीब पीड़ित होते हैं, ये सही हो जाएगा। यद्यपि जहाँ वनरोपण के रूप में प्रकृति का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, यह गरीब की आवश्यकताओं से विलग रूप से रूपांतरित हो रहा है। समाज और प्रकृति की समग्र समझ के बिना समुचित आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता है। तो इसे देखने में लगता है कि चारों हो सकते हैं, लेकिन बी सी डी ज़्यादा अप्रोप्रिएट
आंसर होना चाहिए इसका, कि यह एक नैतिक मुद्दा है कि व्यापक रूप से पर्यावरण के विनाश के कारण अमीर लोग हैं उनके उद्योग धंधे हैं, लेकिन भुगतता कौन है? गरीब, क्योंकि उससे बीमारियां जो होती हैं गरीबों को होती हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण, केमिकल वाले जल पीने से, सब बीमारियों का कारण बनता है गरीबों के, जिसके पास दवा कराने या इलाज कराने की पैसे नहीं होते हैं। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, नवाचारों का परिवेश के बारे में कौन सा सही है? नवाचारों के परिवेश के बारे में कौन सा सही है? इस अवधारणा का प्रयोग मैनुअल कैसेल्स, पीटर हॉल और फिलिप टायोट ने दिया है। सही है। उत्पादन प्रबंधन के संबंधों में विशिष्ट समुच्चय जिसका उद्देश्य नवीन ज्ञान, प्रक्रिया और नव उत्पाद है, ये भी सही है। स्थानीय निकटता, ऐसे परिवेश के अस्तित्व के हेतु भौतिक स्थितियाँ और उच्च प्रौद्योगिकी प्रेरित नवाचार औद्योगिक मिलियन पार्क्स परिवेश को ध्रुव कहलाता है। यह जो है चारों आंसर सही है। अगला है, समाज में संघर्ष की अवधारणा के प्रतिपादक निम्नलिखित में से किन्होंने योगदान किया है? लुईस क्रोजर ने, जार्ज सिमेल ने, मैलिनोवस्की, डेरन डार्फ या कार्ल मार्क्स? तो यहाँ क्रम तो बताना नहीं है, बस पूछा कितने संघर्ष की बात की है, तो बी मैलिनोवस्की नहीं करते, बाकी सब करते हैं। कौन कौन? लुईस क्रोजर करते हैं, इन्होंने संघर्ष को प्रकार्यात्मक बात की है। जार्ज सिमेल ने संघर्ष को भी, इन्होंने भी प्रकार्यात्मक और एकता की बात कही है। जार्ज सिमेल ने भी एकता के रूप में या संघर्ष एकीकरण का कार्य करता है। डारन डेयर ने कहा कि शक्ति और सत्ता के लिए संघर्ष होता है, और कार्ल मार्क्स ने कहा कि उत्पादन के साधनों फिर नियंत्रण के कारक दो वर्ग बनते हैं और उन दोनों वर्गों में संघर्ष होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है कि राधा कमल मुखर्जी का प्रस्ताव किया है कि मानव सभ्यता का अध्ययन तीन अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए, निम्न में से किस एक स्तर का सुझाव नहीं दिया है? तो इनमें से कौन सा राधा कमल मुखर्जी से संबंधित नहीं है? पहला, उनका जैविक क्रमिक विकास के स्तर पर होना चाहिए। दूसरा, आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए। तीसरा, इन्होंने सार्वभौमिक स्तर पर चर्चा की, इन्होंने धर्मनिरपेक्षी आयाम की बात नहीं की है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डी, कि इन्होंने धर्मनिरपेक्ष आयाम की चर्चा नहीं की है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ज़रूर से जुड़ें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां प्रैक्टिस करने से आपकी हैबिट हो जाएगी जल्दी जल्दी प्रश्नों को पढ़ना और उत्तर देने का प्रयास करना। और दूसरी चीज़, वहां जो क्वेश्चन कराए जाते हैं लगभग उसमें से आपको एग्ज़ाम में 60 से 65% क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।